नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइट इन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। गोपालगंज सदर के सीओ सोमवार को जालसाजों का शिकार बन गए। बता दें कि रसोई गैस चूल्हे का मिस्त्री बनकर उनके घर में आए तीन बदमाशों ने सीओ की लाइसेंसी पिस्तौल लेकर मौके से फरार हो गए और वे कुछ भी नहीं कर पाए। आपको बता दें कि गोपालगंज शहर में बिस्कोमान भवन के पास एक मकान में सीओ सदर विजय कुमार सिंह रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके आवास पर रसोई गैस चूल्हे का मिस्त्री बनकर तीन लोग पहुंचे थे, उनके घर का चूल्हा ठीक कर रहे थे। इसी बीच सीओ अपनी लाइसेंसी पिस्तौल को बिस्तर पर रखकर बाथरूम में चले गए। वहीं जब वह बाहर निकले तो उनकी लाइसेंसी पिस्तौल के साथ तीनों मैकेनिक गायब थे। मिली जानकारी के अनुसार सदर सीओ विजय कुमार सिंह अंचल कार्यालय से अपने काम को निपटाने के बाद देर शाम अपने किराए के मकान में पहुंचे थे। कार्यालय से निकलते समय सीओ ने खराब हो गए रसोई गैस चूल्हे को ठीक करने के लिए मिस्त्री को फोन किया था। वहीं घर पहुंचने पर देखा कि तीन मिस्त्री उनके घर के बाहर खड़े हैं। सीओ ने ताला खोलकर तीनों मिस्त्रियों को अपने घर में कमरे में ले गए, जहां पर चूल्हा बनाने की बात कहने लगे। इसी बीच अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकालकर उन्होंने उसे बिस्तर पर रख दिया और वे खुद बाथरूम चले गए। कुछ देर बाद बाथरूम से निकलने पर उन्होंने देखा कि उनकी पिस्तौल गायब है। वहीं तीनों मिस्त्री भी मौके पर मौजूद नहीं है। इसके बाद सीओ तुरंत घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि तीनों मिस्त्री बाइक से जा रहे थे। उन्होंने उनका पीछा भी किया, लेकिन मिस्त्री के रूप में आए तीनों बदमाश बाइक की रफ्तार तेज करके मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर सीओ के बयान पर गोपालगंज थाना इलाके में सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के विजयपुरा मोड़ के रहने वाले प्रिंस यादव, सचिन कुमार और विकास कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त लगातार छापेमारी कर रही है।